सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान गुरु टेक को और साथ में घंटे के दिख रहे बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास में पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आप सभी के लिए मंगल में हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि हमें यदि एक्सेल के अंदर ब्लैंक्स रो डिलीट करनी हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल के जितने भी कॉन्टैक्ट थे मैंने उनका एक्सेल के अंदर बैकअप लिया हुआ है। ये जितने भी कॉन्टैक्ट है ये सभी मैंने अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिए हुए हैं। अब हमें करना ये है कि इसमें जो आपको ब्लैंक रोज आपको दिखाई दे रही हैं वो ब्लैंक रोज को डिलीट करना है। ठीक है, ये जितने भी ब्लैंक रोज हैं ये सभी डिलीट करनी है और ये डाटा को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है। देखिए कितनी सारे ब्लैंक रोज इसमें आ रही हैं। ठीक है, ये सभी ब्लैंक रोज इसमें से डिलीट होनी चाहिए और ये डाटा बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन होना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ब्लैंक रोज को डिलीट करते हैं तो हम ब्लैंक रोज को सिलेक्ट करते हैं तो ये भी सिलेक्ट हो जाता है, ये जो ब्लैंक कॉलम दिख रहे हैं, और साथ में ये नंबर भी डिलीट हो जाता है। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं पूरा डाटा नहीं लेता, मैं थोड़ा सा ही लेता हूँ जो कि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए मैं अभी ये 10 रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए आप पहले नंबर नोट कर लीजिए। अमर का नंबर देखिए यहाँ पर, देखिए लास्ट में 574 आ रहा है। अब जब मैं ब्लैंक रोज सिलेक्ट करके इसमें डिलीट करता हूँ तो ये नंबर हमारे आगे पीछे हो जाते हैं। देखिए मैं ब्लैंक रोज के लिए पहले फंक्शन की के साथ F5 दबाता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे स्पेशल पे जाते हैं और यहाँ पर ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए इसमें ब्लैंक रोज सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं डिलीट करूंगा तो आप देख रहे हैं नंबर सारे आगे पीछे हो जाएंगे। देखिए आप, फिर आपसे कह रहा हूँ कि एक बार नोटिस कीजिए, अमर का नंबर 574 है। अब मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, देखिए ये मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये देखिए अमर का नंबर 574 था लास्ट में, अब यहाँ पर 962 है। तो कारण ये है कि जब हम ब्लैंक रोज का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारे ब्लैंक कॉलम भी डिलीट हो जाते हैं और हमारा सारा डाटा जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। अब हमें करना ये है कि हमें इस प्रकार से ब्लैंक रो डिलीट करनी है कि हमारा डाटा सही प्रकार से रहे, हमारे जो भी नंबर्स हैं वो सही प्रकार से मेंटेन हो। जैसे कि ये रो है, जैसे इसमें डिलीट होना चाहिए, और जैसे ये रो है बिल्कुल जिसमें कुछ नहीं लिखा, केवल वही रो डिलीट करनी है। अब उसके लिए दोस्तों हम यूज करेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं VLOOKUP पे क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू में कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने के बाद में एक कॉमा लगाते हैं, टेबल एरे में हम ये कॉन्टैक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में अब इस यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, वे कह रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमने एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पर हम 1 टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है कि फॉल्स या एग्जैक्ट मैच, हम एग्जैक्ट मैच के ऊपर क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए ये हमारा नंबर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट कर, कॉलम को सेट कर लेंगे। अब हम इस पूरे फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके ले आएंगे। अब दोस्तों आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि जहां पर कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर आ चुके हैं, जहां पर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है वहां पर नॉट एप्लीकेबल आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये नंबर थोड़ा आपको गलत दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए आप। अब देखिए नॉट एप्लीकेबल का मतलब समझिए, देखिए जहां जहां पे ब्लैंक रोज हैं, जहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, केवल वहीं पर देखिए नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। ठीक है, अब हमें देखिए इसमें डिलीट करने में बहुत आसानी होगी, हम क्या करेंगे नॉट एप्लीकेबल वाले कॉलम को ही डिलीट करेंगे, बाकी हम किस चीज को डिलीट नहीं करेंगे। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर फिल्टर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे, ये हमारा फिल्टर लग चुका है। अब हम यहाँ से ये पहले यहाँ से सिलेक्शन हटा लेंगे और उसके बाद में नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे नॉट एप्लीकेबल वाले कॉलम्स को डिलीट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ में स्पेस दबाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस कर देंगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा नीचे तक। उसके बाद में आप डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखिए हमारे डाटा आ रहा है, हम इसके ऊपर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे सभी नंबर अरेंज हो चुके हैं, हम इस कॉलम को
यहां से डिलीट कर देंगे। हमने इसे यहां से देखिए डिलीट कर दिया। अब देखिए हमारा डाटा अरेंज हो चुका है। देखिए नाम के आगे देखिए कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है और देखिए ब्लैंक रोज भी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। देखिए इस व्यक्ति के देखिए तीन नंबर है तो देखिए तीनों नंबर सीरीज में आ रहे हैं। तो देखिए अब हमारे सभी ब्लैंक रोज डिलीट हो चुके हैं और हमारा डाटा अरेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर का डाटा ठीक प्रकार से अरेंज कर सकते हैं और एक्सेल के अंदर में मेंटेन कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। इस वीडियो को शेयर करें, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, वंदे मातरम।